जब आध सच जुगाध सच है भी सच नानक हसी भी सच। मेरा नाम रमनजोत सिंह मीता, प्यार से बचपन से जो घर वालों ने छोटा नाम रखा था वो प्रिंस है, जिससे मेरे को मेरे घर के वहाँ सब लोग जानते हैं। तब से लेकर अब तक दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जितने चुनाव हुए हैं उनमें सबसे छोटी उम्र का प्रत्याशी मैं रहा हूं। अपनी देश की सेवा, कौम की सेवा करने की ओर अग्रसर करा। उनको पता है कि मेरे फादर साहब की डेथ 2.25 साल का जब मैं था तब हो गई थी, तो उसके बाद से मामा जी ने मेरी स्टडीज से लेकर आज तक का जितना भी मेरा ब्रॉटअप जो भी करा है उन्होंने ही करा है, और उन्होंने ही मेरी टेक केयर करी है। तभी मैं एज अ टोकन ऑफ लव अपने नाम के पीछे जब मीता ऐड करा तो वो उन्हीं की रिस्पेक्ट में करा कि उनका नाम मैं चाहता था कि मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूं। प्राइवेट कंपनीज़ में भी जॉब करी है मैंने, USMNC में भी मैं बहुत अच्छे लेवल तक भगवान ने मेरे को कृपा करके पहुंचाया था। देखिए, मैं कभी भी नकारात्मक सोच में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा उस अकाल पुरख वाहेगुरु पे यकीन करता हूँ। इसको एक्चुअल में ज़रूरत है उस तक वो सेवा नहीं पहुंच पाती। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी इज्जत बढ़ती है, पर अगर आप कोई नेगेटिव काम करते हो तो उसमें आपकी इज्जत घटती भी है और लोग आपको सवाल भी करते हैं। हमारा सेवा, जब आप इतना बड़ा धर्म मानते हैं तो इतनी कम उम्र में आप राजनीति में भी आ गए और सफलता भी हासिल करी, तो आपको गनमैन की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप किसी के साथ जुड़े हो, आप किसी को सपोर्ट करते हो, तो अगर वो इंसान कोई गलती करता है तो आपका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है, बोला जाता है कि ये उसका बंदा है या उसका भाई है या उसका फलाना है, उसके साथ इसका रिश्ता है, ये आज की डेट में ये अगर गलत काम कर रहा है तो उसने इसको प्रेरित किया होगा। पर जो लोग मेरे को मारना चाह रहे हैं उनके साथ जाकर हाथ मिलाया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चुभती भी हैं जिनको हमने भाई बोला, और आज भी हम उनको दिल से यही होता है कि यार भाई प्लीज़ ये चीज़ मत करो। देखिए, बदला लेना हमें ना कभी सिखाया गया है, ना हमने कभी बदला ले लिया है, ना हम कभी उस तरफ अग्रसर हुए हैं।